brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं तो इधर इतना अपने काम में मैं अपने मौज में मशगूल था कि मैंने कोई किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा और मुझे किसी चीज़ का ध्यान नहीं, याद नहीं, याद नहीं क्या कोई मेरे ध्यान में ही नहीं आया, जब न मैं अखबार पढ़ पाया न कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख पाया। तो जौनपुर में वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो श्रीकला धनंजय सिंह जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं, जोरों शोरों से लोगों के बीच जा रही हैं और गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचकर लोगों से बीएसपी के लिए, मायावती के लिए वोट मांग रही हैं, हाथ में नीला झंडा उठा रही हैं और भाषा उनके और लोगों के बीच में किसी तरीके की बाधा न बने इसके लिए वो भोजपुरी में भी बात करने की कोशिश कर रही है। उन बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह का टिकट कट जाएगा, आप इसे खेला ही कह सकते हैं जो इस वक्त जौनपुर में हमें देखने को मिला है। बीएसपी ने एक बार फिर से श्याम सिंह यादव पर अपना भरोसा जता दिया है। श्याम सिंह यादव मौजूदा सांसद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब टिकट मिलने की खबरों के बीच में उनसे सवाल पूछा गया तो आप भौचक्के रह जाएंगे जो उन्होंने जवाब दिए। उनका कहना था कि उन्हें कुछ नहीं पता कि यहां पर क्या चल रहा है, ना वो अखबार पढ़ते हैं ना उन्होंने किसी का इंटरव्यू देखा। उनका कहना था कि हम तो मौज में थे। सुनिए आप भी टिकट मिलने पर क्या कुछ कह रहे हैं श्याम सिंह यादव। देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूँ, अपने कागज़ वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब, लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में हैं और उम्मीद है कि घंटे दो घंटे में मिल जाएगा। कल कोऑर्डिनेटर खरवार साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें अफवाह है, श्रीकला सिंह के टिकट कटने की बात को अफवाह बताया था खरवार साहब ने। देखिए, मैं बताऊं, मैं तो इधर इतना अपने काम में मैं अपने मौज में मशगूल था कि मैंने कोई किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा और मुझे किसी चीज़ का ध्यान नहीं, याद नहीं है, याद नहीं क्या कोई मेरे ध्यान में ही नहीं आया, जब न मैं अखबार पढ़ पाया न कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख पाया। तो ये तो रात को मैं सो रहा था, जल्दी सो गया था कि इसलिए आज सुबह मुझे निकलना था बाहर आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन रात को ही 1 बजे टेलीफोन आ गया तो मैंने अपना दौरा स्थगित करके अब कुछ दिन आप लोगों के साथ इधर चुनाव क्षेत्र में लगूंगा। तो कई बजे आज नामांकन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए, मेरे कागज़ पत्र तैयार हैं और 1 बजे के आसपास नामांकन करूंगा। श्रीकला सिंह का टिकट कट गया? अब मैं क्या कहूँ, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता। आप नामांकन करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, सारे लोग आपके यहाँ, जो फैक्चुअल पोजीशन थी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब उससे आप समझ लीजिए। टिकट पाकर कितना खुश है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप लोगों के सामने कुछ चंद महीनों पहले मैंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई पार्टी मुझे ज़्यादा जोर नहीं देगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन माननीय बहन जी का जो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, उनकी तरफ से ही आया, तो आप समझिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं तैयार हो गया हूँ एक बार फिर कमर कस करके, और सिराज हिंद की जनता मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि ज्योतिष ने कहा था, एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि अगला एमपी आपको ही होना है। तो मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ टिकट तो मिला नहीं तो कैसे एमपी बनूंगा भाई? उसने कहा कि अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा योग कह रहा है। और कल जब शाम हुई फिर मैंने टेलीफोन किया कि कल तो 6 तारीख लास्ट डे है नामिनेशन की, बोले कि अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता,
और लेकिन 5 और 6 की रात को मुझे वो टेलीफोन आ गया है, इसलिए मुझे उसकी बातों में बहुत विश्वास हो गया है जो उसने कहा है। हमने ये भी कहा कि जौनपुर का इतिहास रहा है कि कभी एक आदमी दोबारा नहीं हुआ कंजीगुटिव टर्म में। तो उसने कहा कि अब मैं इसको नहीं कर सकता, कैसे होगा, लेकिन अगला MP आपको होना है। तो उसकी बात का मुझे बहुत विश्वास है। तो वाकई हैरानी होती है मौजूदा सांसद की मुंह से सुनते हुए कि वो मौज में थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन एक बड़ी बात जरूर है कि जैसा कि वो बता रहे हैं कि रात में 1 बजे फोन करके मायावती ने उन्हें जौनपुर से टिकट थमाया है और श्रीकला सिंह का टिकट कटा है। ये अपने आप में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म देता है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका कितना नुकसान BSP को होता है और कितना फायदा समाजवादी पार्टी और BJP को होता है। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए जौनपुर से राजकुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।